गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज रोहित सर फ्रॉम के पी अकेडमी ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लासेस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में उन लोग ने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट का टाइप नंबर 3 फिनिश किया था। अभी हमारा टाइप नंबर 4 है गाइस। शाफ्ट विद द वन पुली इज सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। ओके, विद द बोथ पुली सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। अभी देखिए गाइस, यहाँ पर इस में कुछ चीज़ें ऐड होती है। वन पुली मतलब एक शाफ्ट के ऊपर, ये जो हॉरिजेंटल है, ये हमारा शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर ये पुली हम लोग ने माउंट की है। ठीक है, ये पुली जो है, ये जो मैं अभी हॉरिजेंटल लाइन से दिखा रहा हूँ, एक पुली हम लोग ने माउंट की। ये पुली का यहाँ पर ये मैंने ये पुली कुछ इस तरीके से है, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड आप बोल सकते हो, राइट हैंड साइड भी बोल सकते हो। और ये शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से, मतलब ये जो है इनसाइड ये मेरा शाफ्ट है और बाहर मेरा पुली है। थ्योरी ऑफ मशीन का कुछ आपको रिवीजन दे देता हूँ कि पुली ओपन बेल ड्राइव एंड क्रॉस बेल ड्राइव, ऐसे दो तीन प्रकार के कंपाउंड बेल ड्राइव, बहुत प्रकार के बेल ड्राइव है। उन बेल ड्राइव में हमको जो पुली के ऊपर जो बेल्ट होता है ना, वो दो टेंशन सब्जेक्ट करता है। वो होता है टेंशन इन द टाइट साइड जिसको हम लोग T1 बोलते हैं, एंड टेंशन इन द स्लैक साइड जिसको हम लोग T2 कहते हैं। ओके, सो और इनके बीच का रेशो का एक फॉर्मूला होता है T1/T2 इज इक्वल टू E^μ θ, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ये बेल्ट है और पुली के सरफेस के बीच का। यहाँ का जो फ्रिक्शन रहेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एंड थीटा इज एंगल ऑफ लैप और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना एंगल पे बेल्ट ओवरलैप है ऑन पुली पे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैप और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। किसी किसी क्वेश्चन में T1/T2 इनका जो रेशियो होता है वो E^μ θ या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ लैप देने के बजाय, और याद रखना ये एंगल ऑफ लैप हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो आपको कोई चीज डिग्री में दी गई रही थी तो उनको इंटू पाई बाय 180 करके आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो कभी कभी आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और थीटा दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करके T1 और T2 के बीच का रेशियो का वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगा, और कई किसी किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन रहेगा। टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला यहां पर चेंज हो जाता है, वो होता है टेंशन इन द टाइट साइड माइनस टेंशन इन द स्लैक साइड इनटू रेडियस ऑफ पुली। ये एक नया टर्म यहां पर ऐड हो गया है। पुली का जो वेट होता है वो बस W ना लेके हमको टेंशन इन द टाइट साइड और टेंशन इन द स्लैक साइड को ऐड करके पुली का टोटल वेट चेंज होता है। तो टोटल वेट ऑफ पुली होता है जो गिवन पुली का वेट है प्लस टेंशन इन द टाइट साइड प्लस टेंशन इन द स्लैक साइड। और बेंडिंग मोमेंट जैसे हम लोग कैलकुलेट करते आए हैं, वैसे ही हमको यहां पर भी बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना है। देयर इज नो डिफरेंस इन द कैलकुलेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। यही कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको यहां पर बताया है। आप आई होप आपको ये समझ में आए रहेंगे, और ये आप लिख के रखो, अच्छे से लिख के ले लो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। तो गाइस, न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से टाइप नंबर 4 का। अ माइल स्टील शाफ्ट इज सपोर्टेड इन द टू बियरिंग 1 मीटर अपार्ट। एक माइल स्टील शाफ्ट है जो दो बियरिंग के यहां पर एक 1 मीटर अपार्ट है, एंड ट्रांसमिट 15 kW ऑफ पावर एट 300 RPM। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा, ड्रॉ करूंगा माइल स्टील शाफ्ट जो है 1 मीटर अपार्ट, जिनका डिस्टेंस बिटवीन द दोनों के बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन। एक शाफ्ट निकाला और वो बियरिंग सपोर्टेड बताया हूं, और उनका डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट्स 1 मीटर, मतलब 1000 mm हो गया। आई होप आपको यह भी पता रहेगा। अभी ये इस पॉइंट को आप ए पॉइंट नंबर ए बोलो, इसको बी बोलो, तो यहां पर जहां पर सपोर्ट है वहां पर क्या आती है गाइस, रिएक्शंस आर ए और आर पी। ओके, ट्रांसमिट पावर, पावर दिया है तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूं अभी, 15 kW। तो पावर गिवन है, चलो लिख देते, पावर गिवन है 15 kW, मतलब 15 × 10⁻³ W। स्पीड दिया है 300 RPM। टू अ पुली ऑफ 200 mm डायमीटर, डायमीटर ऑफ पुली कितना दिया है, डी स्टैंड फॉर डायमीटर। ठीक है, मैं यहां पर डी अलग लिख देता हूं, कैपिटल डी स्टैंड फॉर
डायमीटर ऑफ पुली कितना दिया है? 200 mm. द डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस, देखिए यहां पर पढ़ता हूं मैं, टू पुली ऑफ 200 mm डायमीटर एट अ डिस्टेंस 300 mm फ्रॉम लेफ्ट हैंड बियरिंग. तो लेफ्ट हैंड बियरिंग से 300 mm के डिस्टेंस पर मेरा यहां पर क्या है? पुली है. तो यहां से ये अगर 300 है तो ये कितना बचा? 700. ठीक है, पुली का वेट मुझे दिया है क्या? ठीक है, पासिंग ओवर द वर्टिकल बेल्ट. ओके, सो आगे का पढ़ते हैं. द बेल्ट पासिंग ओवर अ पुली इज अ वर्टिकल एंड द रेशियोज ऑफ टेंशन इन 2:1. सो मैंने आपको बताया था यहां पे रेशियोज ऑफ टेंशन T1/T2 कितना दिया है? 2:1. मतलब T1/T2 इज इक्वल टू 2/1, मीन्स यू कैन से 2. रेशियोज ऑफ टेंशन कितना दिया है? 2. पुली का वेट दिया है 500 न्यूटन. पुली का वेट कितना दिया है? 500 न्यूटन. डिजाइन डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डायमीटर ऑफ शाफ्ट डेनोटेड बाय स्मॉल डी. अभी यहां पर देखो, डायमीटर ऑफ शाफ्ट डेनोटेड बाय स्मॉल डी है और डायमीटर ऑफ पुली कैपिटल डी बोला हूं मैं. ठीक है, अगर मुझे सिग्मा टी, मतलब जिसको हम लोग सिग्मा बी बोलते हैं, 70 न्यूटन पर mm² दिया है एंड शियर स्ट्रेस दिया है 56 न्यूटन पर mm². तो मुझे क्या क्या निकालना है आपको समझ में आ गया रहेगा, बोथ इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट के लिए. ओके गाइज, सो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहली बात, अभी मैं यहां पर शुरुआत करूंगा पावर के फॉर्मूला से. सो पावर के फॉर्मूला से 15 × 10³ × 2 × π × n आरपीएम कितना दिया है? 300 आरपीएम. 300 × T/60. तो यहां पर से मुझे टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा. टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए कैलसी में कैलसी हाँ, तो कैलसी से 15 × 10³ × 60 / 2 × π × 300, ये आया 477.46 न्यूटन मीटर. ओके, सो हम लोग इसको किस में रखते हैं? न्यूटन एमएम में. ठीक है, तो टॉर्क मुझे पहली दफा यहां पे मिल गया. सबसे पहले पावर से क्या मिल गया? टॉर्क. दूसरा, अभी मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है. तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा गाइस? बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मुझे सपोर्ट रिएक्शंस पता करने पड़ेंगे. मैकेनिक्स को यूज करूंगा. ठीक है, अभी थोड़ा, ठीक है, समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव. अपवर्ड फोर्स कौन सा है गाइस? RA एंड RB, दीज आर टू अपवर्ड फोर्सेस. और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो 500 न्यूटन का जो लोड है वो नीचे आ रहा है, इज इक्वल टू 0. सो RA + RB इज इक्वल टू 500. समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लेते हैं, इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. तो क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब पॉइंट ए तक पहुंचाना है मुझे सारे फोर्सेस. ये RA को खुद ए तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है? 0, RA × 0, प्लस ये 500 को ए तक पहुंचने के लिए 300 mm का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, 500 × 300. ठीक है, देन ये RB को एंटी क्लॉक वाइज तरीके से ए तक पहुंचने के लिए 1000 का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है. तो −1000 RB इज इक्वल टू 0. 500 × 300 आता है 150 × 10³ इज इक्वल टू, ये 1000 RB उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. सो RB की वैल्यू आएगी 150 / 1000 आएगी. तो RB 150 आया. ये RB की वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए, RA + 150 इज इक्वल टू 500. सो RA आएगा 500 − 150 = 350 न्यूटन. तो RA और RB की वैल्यू पता चल गई. बट गाइस,
आर ए आर बी पता चल गया, रिएक्शंस पता चल गए, बट मैंने क्या बोला था यहाँ पे, टोटल पुली का वेट, बस वेट जो दिया है 500, इतना नहीं होता, क्या होता है टी वन और टी टू होता है, समझ में आ रहा है ना, प्लस टी वन एंड प्लस टी टू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ ये करने से साथ साथ मुझे यहाँ पर 500 में टेंशन इन द टाइट साइड और स्लैक साइड दोनों को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पुली का। तो टी वन अपॉन टी टू कितना दिया है, 2, राइट। और मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या है, टी वन माइनस टी टू इंटू आर, वेर आर इट इज अ रेडियस ऑफ पुली। सो टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला यूज करते हैं, टॉर्क ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टेंशन इन द टाइट साइड माइनस टेंशन इन द स्लैक साइड इंटू रेडियस ऑफ पुली। टॉर्क ट्रांसमिटेड मैंने कैलकुलेट किया है, टी कैलकुलेट किया है 477.46 इंटू 10^6, लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, 10^3 लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, 477.46 इंटू 10^3, सो 477.46 इंटू 10^3, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहीं पर लिख देता हूँ, टी वन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टी टू, ये टू उधर जाएगा तो टू टाइम्स ऑफ टी टू हो जाएगा ना, तो टी वन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टी टू है, तो टी वन की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, टू टाइम्स ऑफ टी टू माइनस टी टू, एंड कैपिटल आर रेडियस ऑफ पुली, डायमीटर पुली का कितना दिया है 200, तो रेडियस कितना आएगा 100, राइट, कितना आएगा 100। यहां पर आया 100, 477.46 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टू टी टू माइनस टी टू, क्या बचेगा टी टू, तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा टी टू, दो में से गया एक टी टू बचा ना, 477.46 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय 100, टी टू आता है 4.77, 4.76, सो टी टू की वैल्यू आई 4.774 इंटू 10^3 न्यूटन। टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू टू था, तो टी वन क्या आएगा टू टाइम्स ऑफ टी टू ना, सो इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय टू करूंगा इंटू टू, सो ये आता है 9.549, टी टू आता है, टी वन आता है सॉरी 9.549 इंटू 10^3 न्यूटन। सो टोटल लोड इस पुली पे, टोटल लोड क्या हो जाएगा, 500 प्लस टी वन का वैल्यू आया था 9.549 इंटू 10^3 प्लस टी टू आया था 4.774 इंटू 10^3, ये हो गया मेरा टी वन, ये हो गया मेरा टी टू, और ये हो गया मेरा वेट ऑफ द पुली जो मैंने यहाँ पे समझाया था, टी वन प्लस टी टू प्लस डब्ल्यू, टी वन प्लस टी टू प्लस, तो टोटल लोड यहाँ पर कितना लग रहा है 500 प्लस आंसर प्लस 4.774 इंटू 10^3, सो टोटल लोड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर टोटल लोड जो हो रहा है ये नीचे दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, ये टोटल लोड जो हो रहा है पुली का वो हो रहा है 14.823 इंटू 10^3, ये टोटल लोड जो मैंने यहां पे दिखाया है वो क्या हो रहा है 14, ये तीनों को ऐड किया है 1 2 3, 14.823 इंटू 10^3। अभी हमको क्या निकालना है, मूवमेंट गाइस, बची क्या मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट बी इज ऑल्सो जीरो, कौन से दो पॉइंट पे, जहां पर सपोर्ट होती है पॉइंट ए बोलते हैं इसको हम लोग, और यहां पर बी बोलते हैं, दोनों पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है, इंटरमीडिएट कौन सा बचा पॉइंट सी, तो यहां पर मेरी बेंडिंग मोमेंट क्या आएगी, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन किया है ना हम लोग ने, ये गलत हो जाता है, ठीक है,
क्योंकि ये जो कैलकुलेशन किया है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल लोड पुली का चेंज हो रहा है ना। ये जो कैलकुलेशन हम लोग ने पहले किया था, ये दिस इज नॉट सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप और करेक्ट है, सेकेंड स्टेप इज दिस, थर्ड स्टेप इज, थर्ड स्टेप आई कैन से टोटल लोड ऑन पुली। तो वो हम लोग 500 प्लस 9.549 इंटू 10^3 प्लस 4.774 इंटू 10^3, इनको कैलकुलेट करके टोटल लोड हम लोग ने निकाला था 14.823 इंटू 10^3, राइट, 14.823 इंटू 10^3 न्यूटन। एंड आफ्टर दिस ओनली, उसके बाद में ही हमको रिएक्शंस पता करने होते हैं। तो रिएक्शंस पता करने के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूँ, ठीक है, आर ए आर बी, और टोटल लोड आया था 14 पॉइंट अभी निकाला था 823 इंटू 10^3, ये पॉइंट सी बोला था मैंने। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, पॉइंट ए पॉइंट बी, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, फिर से सेम प्रोसेस आर ए प्लस आर बी, माइनस 14.823 इंटू 10^3 इज इक्वल टू जीरो। सो आर ए प्लस आर बी क्या हो जाता है, 14.823 इंटू 10^3। देन समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निगेटिव। क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब क्या, पॉइंट ए तक पहुंचा, ये 14.823 को पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए ये 300 था और टोटल स्पैन था हमारा 1000, राइट। सो ये 14.823 को पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए 300 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, इनटू 300, और ये आरबी को ए तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, माइनस 1000 आरबी, 1000 डिस्टेंस। सो 14.823 इंटू, ये इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, इंटू 300, सो ये आता है 4.446 इंटू 10^6 इज इक्वल टू 1000 आरबी। सो आरबी क्या हो जाएगा, 4.446 इंटू 10^6 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आता है आपको गाइस 4.446 इंटू 10^3। आर ए पे इस, यहाँ पे मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा, ठीक है। सो अगर आर बी के, मैं आर बी के जगह पे मैंने आर ए प्लस, इंस्टेड ऑफ आर बी आई कैन राइट दिस टर्म 4.446 इंटू 10^3 इज इक्वल टू 14.823 इंटू 10^3। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आर ए मिल जाएगा 14.823 इंटू 10^3 माइनस 4.446 इंटू 10^3, 14.823 इंटू 10^3 माइनस आंसर जो हम लोग ने कैलकुलेट करके रखा है, तो आर ए आता है 10.376 इंटू 10^6 न्यूटन। बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, बेंडिंग मोमेंट एट ए जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट बी जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालनी है। तो मैंने पहले ही बताया सपोर्ट पे जीरो होती है, सी पे निकालना है तो आइदर लेफ्ट हैंड, सी के लेफ्ट हैंड साइड से देखो या फिर सी के राइट हैंड साइड से देखो। तो सी के लेफ्ट हैंड साइड पे आर ए है, तो आर ए को पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, 300। आर ए की वैल्यू अभी जस्ट कैलकुलेट करके रखिए, 3.76 इंटू 10^3 इंटू 300। और सी के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फोर्स है, एक सी के ऊपर एक्ट होने वाला, बट सी के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है वो 14.823 है इंटू 10^3, बस उसको खुद तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जीरो। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, इनका बस मल्टीप्लीकेशन, बेंडिंग मोमेंट आई
3.11 2 इंटू 10^6। सो हम लोग ने टॉर्क कैलकुलेट किया, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट की, ठीक है। टॉर्क कैलकुलेट कितना किया था हम लोग ने, टॉर्क हम लोग ने कैलकुलेट किया था 477.46 इंटू 10^3 न्यूटन एमएम, और बेंडिंग मोमेंट हम लोग ने कैलकुलेट किया अभी फिर जस्ट 3.113 इंटू 10^6 न्यूटन एमएम। और मुझे क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, गिवन सिग्मा बी और टाउ, ये दोनों गिवन है। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इन दोनों को यूज करना पड़ेगा हमको। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग, बाकी का सेम है गाइस, बाकी जो पहले किया था एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें क्या होता है ना, इसमें ये एक फॉर्मूला बढ़ जाता है ये वाला, और ये कैलकुलेशन पार्ट जो हम लोग ने ऑलरेडी मैकेनिक्स में किया है, दैट्स इट। सो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ मैक्स। अभी ये जो दो टर्म है ना, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करता हूँ गाइस, ये ऊपर जो लिख के रखा है मैं, अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट ओपन एम स्क्वायर इज वॉट 3.113 इंटू 10^6 प्लस द होल स्क्वायर प्लस 477.46 इंटू 10^3 ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। तो ये जो अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये जो यहां पर है, इनका आंसर आता है 3.1494 इंटू 10^6 इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब, और टाउ मैक्स की वैल्यू हम लोग को दी गई थी 56 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, टाउ की वैल्यू 56। तो यहां पर अननोन टर्म कौन सी है, डी, तो वी कैन कैलकुलेट दैट टर्म इंटू 16 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 56 क्यूब रूट ऑफ आंसर, आंसर आता है डी का यहां पर 65.91 mm, आप डायमीटर बोल सकते हो 62 mm बाई इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। अभी इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट के अनुसार फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू अंडर एम ब्रैकेट ओपन एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 32 इंटू डी क्यूब इंटू सिग्मा बी मैक्स। ये टर्म मैंने कैलकुलेट करके रखी है जो ये है, और एम की वैल्यू यहां पर है, तो ये मैं, ये टर्म यहां पर है, ये जो टर्म है वो यहां पर है, और ये एम जो है वो यहां पर है, तो इनको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूं। सो 3.113 इंटू 10^6 प्लस 3.1494 इंटू 10^6 डिवाइडेड बाई 2, लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है ये वाली, इसका आंसर आता है 3.1312 इंटू 10^6, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म का वैल्यू ये आई, इज इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू डी क्यूब इंटू सिग्मा बी मैक्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई थी 70 सिग्मा बी। इसको मैं यहां पर से डी कैलकुलेट करता हूं, इंटू 32 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 70 क्यूब रूट ऑफ आंसर, डायमीटर आता है यहां पे 76.94, आप इसको बोल सकते हो 78 mm। दोनों में से कौन सा डायमीटर बढ़ाया, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट से डायमीटर आया ये, और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट से डायमीटर आया ये, तो जो बड़ा डायमीटर आया उसको हम लोग यहां पे सिलेक्ट करते हैं। ओके गाइस, सो देखो बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने के लिए, ये जो न्यूमेरिकल्स है पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहो, आपका फायदा है उसमें, ठीक है।
ये था हमारा गाइज आज का टाइप नंबर 4। इसमें यही न्यूमेरिकल सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये आपके लिए एग्जैक्ट होमवर्क है। टेक अ फोटो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट आएगा तो आप मुझे कॉल करिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग टाइप नंबर 5 पे बात करेंगे, शाफ्ट विद ओवरहैंग पुलीज, ठीक है। जो कंपैरेटिवली मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल थोड़े, स्टार्टिंग का एक न्यूमेरिकल छोटा है, बाकी के दूसरा बड़ा है, दो न्यूमेरिकल है बस। सो दो न्यूमेरिकल को हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच गाइस।